Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss about a poem, Indian Reservation, Caughnawaga by A.M. Klein. A.M. Klein एक कनाडियन राइटर है. उन्होंने इंडियन रिजर्वेशन एक पोएम लिखी है. उसकी समरी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रीफेस बता देता हूँ ताकि आपको समरी समझने में आसानी हो. इसकी इंडियन रिजर्वेशन जो एक थीम है, टाइटल है, वो कनाडा की जो नेटिव लोग हैं, रेड इंडियंस बोला जाता है जिनको, कनाडा और यूएसए के जो नॉर्थ अमेरिकी एरिया है वहाँ जो नेटिव लोग थे उनको रेड इंडियंस बोला जाता था. ये आपने पढ़ा भी होगा लिटरेचर के बाकी पोर्शन में, जब आप कनाडियन लिटरेचर और लिटरेचर का कोई पोर्शन पढ़ते हैं कनाडा यूएसए से रिलेटेड. तो रेड इंडियंस जो नेटिव थे कनाडा में, क्या हुआ, वहाँ फ्रेंच लोग आए, उन्होंने वहाँ उनको, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटेन वाले आए, उन्होंने अपने देश को गुलाम बनाया. तो कनाडा में फ्रेंच और बाकी जो वाइट पीपल थे यूरोप के, वो वहाँ जाके बसने लगे और उन्होंने वहाँ के नेटिव लोगों को इंस्लेव करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब भी हो गए थे. ठीक है, तो ये पोइट उसी दर्द को इस पोएम में, A.M. Klein, जो रेड इंडियंस वहाँ के जो लोकल लोग थे उसको इसी पोएम में वो दर्द झलकता है उनका. और इसमें जो रिजर्वेशन वाला नाम दिया गया, इंडियन रिजर्वेशन, एक्चुअली में उन्होंने क्या किया था, जो ये फ्रेंच लोग थे और बाकी यूरोपियन वाइट पीपल थे, उन्होंने वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनकी जो ज़मीन थी उनको, उसको हड़पना शुरू किया था, जैसे हमारे यहाँ भी हुआ था देश में. और कोगनावागा ये एक जो वहाँ के रेड इंडियंस की जो ट्राइब थी उनका एक प्रोविंस बोल सकते हैं, एक टाउन बोल सकते हैं, एक एरिया बोल सकते हैं वो था. तो ये टाइटल ये पॉइंट डिनोट करता है. आई एम श्योर कि आप इस चीज को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे. इसके बाद जो पोयम है वो ये है कि इसमें जो A.M. Klein है वो बताते हैं कि कैसे जो वाइट पीपल थे उन्होंने, जो नेटिव लोग थे रेड इंडियंस थे, उनको कैसे इंसलेव किया और धीरे धीरे उनकी कल्चर को कैसे ख़त्म कर दिया. और ये जो नेटिव इंडियन, नेटिव जो लोग हैं कनाडा के, बोलते हैं कैसे इन्होंने अपनी कल्चर को ख़त्म कर दिया और कैसे ये यूरोपियन कल्चर को, फ्रेंच कल्चर को अडॉप्ट कर लिए आराम से. तो इसी को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, समरी को. वेयर आर द ब्रेव्स, द फेसेस लाइक ऑटम फिरोज, हु स्टेयर्ड एट द चाइल्ड फ्रॉम द कलर्ड फ्रंट स्पाय एंड द मोनोसिलेबिक चीफ हु स्पोक विद हिज थ्रॉट. तो अब यहाँ बोलता है, कोई सिनेरियो चेंज होने के बाद की पोयम है, क्योंकि A.M. Klein काफ़ी मतलब न्यू एज के हम बोल सकते हैं पोइट हैं. और ये जो इंसिडेंट शुरू हुए थे 17वीं सदी में शुरू हो गए थे कनाडा में, ठीक है, उनको इंसलेव करने के, और फिर वो काफ़ी समय तक चलते रहे. जैसे हमारे यहाँ भी लगभग 1850 के आसपास ब्रिटेन ने ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया था, इसी तरह से कनाडा में वो काफ़ी पहले से हो गए थे. तो अब यहाँ पोइट बोलते हैं, वेयर आर द ब्रेव्स, द फेस लाइक ऑटम फ्रूट्स, वो लोग कहाँ हैं जो बोलते थे, जिनके फेस ऐसे दिखते थे जैसे ऑटम का फ्रूट होता है, ठीक है, और वो बच्चों को ऐसे देखते थे जैसे किताबों में कलर्ड फ्रंट स्पाई, यानी जो पहला पेज होता है उस पर जो बच्चा छपा रहता है, ठीक है, उस पर जो पिक्चर होती है बच्चे जैसे उसको देखते हैं. एंड द मोनोसिलेबिक चीफ, वो स्पोक विद थ्रॉट, और वो चीफ, वो एकाकी चीफ, वो ट्राइब का मुखिया जिसको हम बोल सकते हैं, जो बोलता था अपने गले से, यानी अपने मुंह से जो बोलता था. वेयर आर द ट्राइब्स, द फेदर बेस्ट्रीज, ओ एसोप्स एनिमल्स रेक्ट एंड रेड. तो यहाँ देखो जो पोइट है वो क्या बोल रहा है कि सिनेरियो जब चेंज हो गया तो क्वेश्चन करते हैं कि वो लोग कहाँ हैं जो बहादुर बनते थे और जो आके बोलते थे, वो चीफ कहाँ है, ट्राइबल चीफ, यानी जो इनकी जनजाति है उस एरिया की, उसका जो चीफ था वो आके बोलता था कि फॉरनर्स आए हैं, ये अच्छा करेंगे, हमको सिविलाइज्ड करेंगे. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो यूरोपियन हुए हैं इन्होंने दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट फॉलो करें कि वहाँ के लोकल लोगों को, जिस प्लेस पे जाओ वहाँ के लोकल लोगों को, जो मुखिया या हम बोल सकते हैं कि लैंडलॉर्ड टाइप के लोग थे, उनको कंट्रोल में ले लेते थे और उनसे फिर आम लोगों को इन्फ्लुएंस कराते थे. पोइट बोलता है कि वो सब लोग कहाँ हैं, ठीक है, वेयर आर द ट्राइब्स, फेदर्ड वेस्टरीज, और ट्राइब्स कहाँ हैं, ट्राइब्स क्या नहीं, हमारी जो जनजातियाँ उसके बाकी लोग कहाँ हैं. द फेदर्ड बेस्ट्रीज, एसोप्स एनिमल्स रेक्ट एंड रेड, और फेदर्ड बेस्ट्रीज से मतलब, बेस्ट्रीज एक ग्रंथ है, एसोप, एक एसोप ग्रीक स्टोरी टेलर हुए हैं, उनका एक ट्रीटाइज है, ठीक है, और उसमें उन्होंने जो एनिमल से रिलेटेड स्टोरी लिखी है ज़्यादा. तो यहाँ जो पोइट है वो ये कोट करता है इनको, एसोप्स
जहां एनिमल्स को सीधा और रेड दिखाया जाता है विद फर ऑन देयर नेम्स टू मेक ऑल लिव थिंग्स किन, जिसमें वो जो जीव हैं उनकी बॉडी पे उनके नाम के साथ और उनसे फर से उन सबको उनकी बॉडी पे जो फर होते हैं उनसे सबको उन सबको ऐसे दिखाता है कि जैसे वो सब सगे संबंधी यानी किन हैं, सब मिले जुले हैं। जैसे चीफ रनिंग डियर, ब्लैक बियर, ओल्ड बफेलो हेड, ये सब जानवर। तो यहाँ ये कोट करता है कि ये एसोप्स एनिमल्स, एसोप्स की बेस्ट्री जो बोलते हैं कि सभी जानवर क्योंकि उनके बॉडी पे फर एक जैसे हैं, वो मिलते जुलते हैं, तो सब एक ही फैमिली के हैं, वो सब कहाँ हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा देखो। फर्स्ट स्टेंजा में क्वेश्चन पुटअप किया है कि वो बहादुर लोग कहाँ हैं जिनके फेस फ्रूट जैसे दिखते थे, जो मुखिया होते थे ट्राइब्स के बाकी लोग कहाँ हैं। जब अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया तो ये लोग सब कहाँ हैं। एसोप का एग्जांपल देता है कि एसोप की वो जो ट्रीटीज थी फीदर्ड बेस्ट्रीज, उसमें जो सभी जानवरों को सभी एनिमल्स को एक जैसा मतलब एक परिवार का या एक ग्रुप से रिलेट किया गया, वो सब कहाँ हैं। चाइल्डहुड दैट विस्ट मी इंडियन, अब यहाँ जो पोइट है वो अपने पास्ट में चला जाता है। ठीक है, चाइल्डहुड दैट विस्ट मी इंडियन होप्ड दैट वन आफ्टर स्कूल आई वुड लीव द क्लासरूम चौक द वर्निश स्मेल एंड वाटर डस्ट ऑफ द स्ट्रीट। अब पोइट कहता है कि वो मेरा बचपन जब मैं एक रेड इंडियन था, विस्ट मी इंडियन और होप्ड दैट और आशा किया कि एक आफ्टरनून मैंने अपना जो क्लासरूम था वहाँ जो चौक की खुशबू थी, ठीक है, और गलियों में जो पानी पड़ने के बाद जो डस्ट हो जाती थी वो सब, ठीक है, जो मैं अपने बचपन में देखता था, टू ज्वाइन द क्लीन आउटडोर्स, उसको छोड़ के जो इच्छा होती थी कि मैं बाहर जाके आउटडोर यानी बाहर के जो एरिया है उसको देख सकूँ, एंड द एरोकिस ट्रैक, एरोकिस एक वहाँ का फेडरल प्रोविंस था कनाडा का, तो उसका जो ट्रैक था वो वहां जाके घूम सके। चाइल्डहुड बचपन, बट ऑलवेज एज ऑन द कैलेंडर, लेकिन ये सब चीजें कैलेंडर पे रह गई। देयर स्टूड दैट चीफ विद आर्म्स अकिम्बो वेटिंग टू रन अवे मस्कट पैडलिंग टू हिज शोर, लेकिन वहां बचपन में जो चीज देखा कि जो उस ट्राइब्स का उस एरिया का, ठीक है, जो चीफ होता था वो वहां खड़ा मिलता, खड़ा दिखा और उसके साथ उसकी मतलब बाजुओं पे आर्म्स थे, हथियारें थे, वेटिंग द रनअवे मस्कट पैडलिंग टू हिस्सोर। और जो एक मस्कट मतलब यहाँ माना गया है कि कोई ऐसी चीज जो अच्छा फॉर्चून लेके आती है, ठीक है, जो पैडलिंग करती हुई यानी तैरती हुई सौर की तरफ आती है, समुद्र के किनारे की तरफ आती है। नेक्स्ट स्टेशन जो देख लेते हैं, विद वॉट स्ट्रेंच मोकासिन स्टिल्थ दैट सीन इज चेंज्ड, विद वॉट स्ट्रेंज मोकासिन स्टिल्थ दैट सीन इज चेंज्ड। अच्छा, मोकासिन होता है एक कनाडियन जो नेटिव लोग थे रेड इंडियंस, वो एक जूता पहनते थे और जो इसकी हिरन की स्किन से बनाया जाता था, ठीक है, तो कहता है कि वो सीन चेंज हो गया, अब इस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं। विद फ्रेंच नेम विदाउट पेन इन ओवरऑल्स देयर ब्रॉन्ज लाइक देयर नोबिलिटी एक्सपोज्ड द मैन। तो यहाँ राइटर बोलता है, पोइट बोलता है सॉरी, कि वो सब चीजें चेंज हो गई हैं, लोग फ्रेंच नाम रखने लगे हैं, ठीक है, फ्रेंच कल्चर को फॉलो करने लगे हैं और जो फ्रेंच लोगों की या जो यूरोपियन लोगों की वाइट लोगों की हम बोल सकते हैं कि महानता है उसको वो गुणगान करने लगे हैं और वाइट लोगों ने हमारी कल्चर को रेड इंडियंस की कल्चर को एकदम मिटा दिया है, ठीक है, एक्सपोज मतलब मिटा दिया, एकदम खत्म कर दिया है। बीनीथ देयर एलिमेंट्री सोल्स सिट लाइक ब्लैक टेंट्स देयर स्क्वॉज, और जो हमारे लोग हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि वो लोग उनके कहने से काम करते हैं, जैसे वो बोलते हैं ऐसे करते हैं और उनके टेंट में स्क्वीज की तरह जाके बैठ जाते हैं। स्क्वीज मतलब कॉल गर्ल से बोला गया है कि हमारी जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो उनके टेंटों में या उनके जो निवास स्थान होते हैं वहां जाके ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे कोई स्क्वेज जाके कॉल गर्ल जाके किसी व्यक्ति के पास बैठ जाती है। वाइल फॉर द टूरिस्ट ब्राउन पेनीज स्कैटर एट द ओल्ड चर्च डोर द रैग्ड पैपूसेस जंप एंड बाइट द डस्ट, और जो वाइट लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, ये फ्रेंच और वाइट पीपल, वो पेनीज मतलब पेनी मतलब
जो डॉलर का छोटा पार्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया उससे छोटा होता है पैसा, तो ऐसे ही डॉलर का जो पैसा बोल सकते हैं उसको पैनी बोलते हैं। तो पैनी स्कैटर्ड कर देते हैं, बिखेर देते हैं चर्च डोर पे, ताकि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं पप्पूज, वो उनको बीनते हैं और वो नीचे एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, डस्ट में गिर जाते हैं और एक दूसरे को बाइट भी कर लेते हैं। तो पोइट बोलता है कि ऐसा सिनेरियो हो गया है, ऐसा चीजें चेंज हो गई हैं जब से रेड इंडियंस को इन्होंने इंस्लेव किया, गुलाम किया, ये लोग अपनी गुलाम बनाया, ये लोग अपनी कल्चर को भूल गए हैं, अपनी संस्कृति से एकदम मिट गए हैं, और ये फॉरनर्स वाइट पीपल इनको गुलामों की तरह रख रहे हैं। देयर पास्ट इज सॉल्ड इन सोप बीहेडेड शूज, और अब इनका जो पास्ट है वो दुकानों में बिकता है। वोइट कहता है कि इनका जो पास्ट है वो दुकानों में बिकता है, बेहेडेड शूज, ठीक है, इनके जूते, स्वेट ग्रास बास्केट, बास्केट यानी जो घास की बनी बास्केट है थी, क्यूरियो इंडियंस। तो यहाँ पोइट बोलता है कि जो ये नेटिव लोग हैं, इनका जो पास्ट था, इनकी जो स्मृतियां हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं, और वो सिर्फ दुकानों तक सीमित रह गई हैं, म्यूजियम तक सीमित रह गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जो पोइट है बोलता है कि रेड इंडियंस की कलाकृतियां, उनका पास्ट, ठीक है, बर्न्ट बोर्ड्स, गॉडी क्लोथ, मतलब जली हुई लकड़ी, और गॉडी क्लोथ मतलब चमकदार कपड़े, ठीक है, इंच कैनोइज, जो छोटी छोटी नौकाएं होती थी वो सब, ट्रॉफीज, स्कैल्पिंग फॉर ए ट्रेवलर्स टेन, ये सभी चीजें जो अब ट्रेवलर्स आते हैं उनको दिखाने के लिए दुकानों में, म्यूजियम में रख दी गई हैं। इसके बाद पोइट बोलता है, समटाइम इट्स ट्रू दे डांस बट फॉर ब्राइब, और ये भी सत्य है कि कभी कभी वो लोग रिश्वत के लिए डांस करते हैं, आफ्टर ए डील डॉन द बी ड्रेगल्ड फेदर एंड वेलकम ए वाइट मेयर टू द ट्राइब। और इसके बाद वो गंदे एकदम बेकार फेदर्स को पहन के एक डील कर लेते हैं, मतलब पैसे के लिए, जो मेयर आते हैं ये वाइट लोगों के, जो मेयर आते हैं ट्राइब में घूमने के लिए, उनके वेलकम के लिए गंदे से गंदे पंखों को, फीदर्स को पहन के डांस करते, और इसके बदले में उनको कुछ पैसा मिल जाता है। तो यहाँ जो पोइट है बोलता है कि इस तरह से जो नेटिव जो रेड इंडियंस थे उनकी कल्चर बर्बाद हो गई है, उनके जो पास्ट है, उनकी कलाकृतियाँ, उनके जो चिन्ह थे, रिलिक्स थे, वो सब सिर्फ दुकानों में रह गए हैं ट्रेवलर्स को दिखाने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा उसको देख लेते हैं, लास्ट स्टेंजा इस पोएम का, दिस इज ग्रेसी घेटो एंड नो होम। ग्रेसी घेटो मतलब, यहाँ घेटो मतलब होता है यहूदी बस्ती, ये एक हरियाली हरी भरी यहूदी बस्ती है, बट नो होम, लेकिन यहाँ कोई घर नहीं बाकी है, एंड दीज आर फौना इन द म्यूजियम कैप्ट, और ये जो पशु हैं ये म्यूजियम में रखे जाते हैं, रखे गए हैं, ठीक है। द बेटर हंटर्स हैव प्रिवेल्ड, और जो अच्छा शिकारी था वो प्रिवेल्ड कर गया। तो यहाँ एक जो सेंस निकल गया था, पॉइंट बोलता है कि जो पावरफुल थे उन्होंने कमजोर को दबा दिया, मार दिया, ठीक है। तो ये कहता है कि यहाँ जो इसका और एक डीप सेंस बनता है कि जो यूरोपियन लोग थे, डेवलप्ड लोग थे, उन्होंने जो डेवलपिंग लोग थे या जो नेटिव रेड इंडियंस थे उनको हरा दिया है। तो यहाँ हंटर और हंट का कॉन्सेप्ट काम करता है पोइट के दिमाग में, वो बोलता है कि बेटर हंट्स हैव प्रिवेल्ड, जो अच्छे शिकारी थे उन्होंने शिकार कर लिया, ठीक है। द गेम लॉसिंग इट्स ब्लड नाउ मेक्स दिस ग्राउंड इट्स क्रिप्ट, और यहाँ फिर पोइट बोलता है कि ये सब जो गेम था वो अब खत्म हो गया है, और इसकी जो चीजें थी वो तय खानों में यानी ग्राउंड में समा गई हैं। एनिमल्स पेल द साइन ऑफ फर इज लॉस्ट, जो एनिमल्स थे वो पेल पीले पड़ गए हैं, और फर की जो चमक है वो खत्म हो गई है। ब्लीस्ट आर देयर लिविंग बोन्स, और इन लोगों की जो हड्डियां थी वो वॉश आउट हो गई हैं, एकदम ब्लीस्ट हो गई हैं, धुल गई हैं, मतलब खत्म सी हो गई हैं। अबाउट देम वॉच एज थ्रू ए मिस्ट, अबाउट देम वॉच एज थ्रू ए मिस्ट द प्रेस प्रस प्रस गॉस्ट, और वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी मिस्ट से हम कुहासे से देखें तो कोई प्रॉस्पर यानी अच्छा खासा घोस्ट दिखता है, ठीक है। अब वो लोग ऐसे दिखते हैं, तो ये सब चीजें बोली गई हैं रेड इंडियंस के लिए। तो यहाँ एक दर्द झलकता है आई एम क्लैन का, कि कैसे रेड इंडियंस जो थे वो फ्रेंच लोगों के द्वारा, बाकी यूरोपियन वाइट लोगों के द्वारा जिनको एंस्लेव किया गया, और कैसे ये लोग अपने कल्चर से दूर हो गए, कैसे अपने होमलैंड से दूर हो गए, होमलैंड में रहते हुए भी फॉरनर्स की कल्चर को, उनकी संस्कृति को और उनके मैनर्स को फॉलो कर रहे हैं, और आज इनकी हालत ये है कि इनकी जो पास्ट है, इनकी जो संस्कृति है, वो
म्यूजियम में और दुकानों पे बिकती है, वहां रखी जाती है और फॉरनर्स जो आते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये एक बड़ी इमोशनल टाइप की पोएम है मैकलेन की द्वारा जो लिखी गई है। आई होप इसकी समरी और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने समझे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह की बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। यूपीएचएससी के लिए स्पेशली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, यूपीएचएससी इंग्लिश। आप उस पर जाके बाकी वीडियो, बाकी पोएम्स को जरूर चेकआउट कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है मेरा अटेम्प्ट तो आप एक लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।